दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो आपके यहाँ चल रही थी, उसके संदर्भ में मैं एक बार फिर आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि और भी नीचे लिखा गया है कि आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, लगातार मैं इस चीज़ के बारे में आपको अवगत करने का प्रयास कर रहा हूँ, यह कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गलत वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन ना कर दें। ठीक है, देखिए, आपके सामने नीचे लिखा गया है कि आप सभी का डाटा भेजा जा चुका है प्रशासन के पास। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि मेरा डाटा किस प्रकार से भेजा जा चुका है प्रशासन के पास, हमारा तो फॉर्म ही नहीं भराया गया था। तो उसके संदर्भ में मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आपके कॉलेज या महाविद्यालय से जो है आपका फॉर्म नहीं भराया गया था, तो उसमें आपको असमंजस होने करने की बात नहीं है। अगर आपका फॉर्म नहीं भराया गया था, तो इसकी जिम्मेदारी अगर देखा जाए, प्रशासन ने सिर्फ आपके कॉलेज महाविद्यालय को दिया हुआ था। जो भी डाटा भेजना था, वह आपके कॉलेज के माध्यम से वह विश्वविद्यालय के पास जाएगा, और विश्वविद्यालय से जो डाटा होगा वह शासन प्रशासन के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ अपडेट निकल कर आई है। विभिन्न प्रकार की जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उन सभी के अपडेट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। कौन सी विश्वविद्यालय की तरफ से कितने छात्र जो है इस योजना का लाभ ले पाएंगे, कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने बच्चों का डाटा जा चुका है, तो उन सभी के बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की यह योजना है, उत्तर प्रदेश मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन योजना, इसमें मैंने आपको पहले इसके वीडियो में बताया हुआ था कि भैया जो है 1 लाख का आपका टैबलेट और जो है 9,000 का स्मार्टफोन देने की यह योजना सरकार द्वारा तय की गई है। इस पे आपका विभिन्न प्रकार से कटाक्ष आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है कि इतने विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में, तो सभी को किस प्रकार से 1 लाख का टैबलेट और जो है 9,000 का स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यह सरकार की राय है, मंशा है 1 लाख का टैबलेट और स्मार्टफोन की योजना को आपके सामने देने की, तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार चाहती है तो वह बिल्कुल कर ले जाएगी। इस पे आपको कटाक्ष करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ऐसा होगा, ऐसा करना पड़ेगा, हमको नहीं मिलेगा। देखिए, आप कह रहे थे कि 1 लाख का जो टैबलेट है वह 1,000 में मिल जाएगा, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, इसके चक्कर में आप मत रहिएगा दोस्त। आपको मैं बताना चाहूँगा, अरे यार, अगर 1 लाख का टैबलेट वो देने के लिए कह रहे हैं तो भैया 80-90 हज़ार का तो होगा ही, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि वह 1 लाख से कम होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने अगर यह घोषणा किया है कि 1 लाख का टैबलेट आपको दिया जाएगा, तो वह मैं बिल्कुल 100% उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 1 लाख का टैबलेट दिया जाएगा। और रही बात स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन की योजना जो है, अगर 9,000 का वह उन्होंने घोषणा किया है कि मैं 9,000 का स्मार्टफोन आपके सामने दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि यह भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि 9,000 का स्मार्टफोन मिलेगा। अच्छा, उसमें एक क्वालिटी उन्होंने और दिया है, उन्होंने जैसे आप कहीं भी चाहे टैबलेट लेने जाते होंगे, चाहे स्मार्टफोन लेने जाते होंगे, तो आपको गारंटी वारंटी कार्ड मिलता होगा। उन्होंने इसका भी लाभ आपको देने के लिए कहा है कि अगर आपके टैबलेट और स्मार्टफोन में कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो वो आपको वारंटी कार्ड देंगे। आपके हर ज़िले में अगर देखा जाए, तो आपके हर ज़िले में जो है वह जिस कंपनी का देना है टैबलेट और स्मार्टफोन, उस कंपनी का जो सर्विस सेंटर होगा आपके हर ज़िले में होगा। जैसे अगर देखा जाए तो प्रयागराज ज़िले में 1 सेंटर होगा, 1 से 2 सेंटर, जिस प्रकार से ज़िला होगा डिपेंड उस पर करेगा, जितना बड़ा होगा उस पर करेगा। तो हर ज़िले में उसका सर्विस सेंटर होगा, आप वहाँ ले जाकर 1 साल तक जो है उस वारंटी कार्ड को दिखाकर आप उसमें आई हुई कमियों को दूर करा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, वहाँ आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो अगर उन्होंने इतनी सुविधा आपको दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जो भी वह टैबलेट और स्मार्टफोन आपके लिए वितरित करें, वह क्वालिटीदार होगा। जैसे अगर प्रीवियस में देखा जाए, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक टैबलेट जो है लैपटॉप का वितरण किया हुआ था, तो सब लोग उनके भी इस योजना पर कटाक्ष कर रहे थे कि जो उन्होंने टैबलेट जो है लैपटॉप दिया हुआ है वह गड़बड़ है।
अगर देखा जाए तो आज अभी 2012 के बाद अगर देखा जाए तो जो उन्होंने लैपटॉप दिया हुआ है, अगर जो बंदा वह अच्छे से उसे यूज़ कर रहा है, उसका लैपटॉप जो है अभी भी उसी गति से चल रहा था जब नया था, ठीक है। अरे जब आपको मिला होगा तो आप चलाए होंगे और आज भी उसी गति से चलता होगा। आज कुछ लोग होंगे उसमें कैसेट लगा के पिक्चर वगैरह देखते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस तरह से उसे यूज़ करेंगे उसी तरह से वो भी आपके सामने पेश आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह भी है, इस योजना का लाभ जो उन्होंने कहा है, भैया लैपटॉप तो और महंगा मिला होगा। आप कह रहे होंगे कि अगर लैपटॉप इतना महंगा मिला तो कह रहे थे कि जो है 20,000 25,000 का लैपटॉप रहा होगा। नहीं, उनका भी कुछ योजना था। जो भी वह उन्होंने लैपटॉप दिया, आज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ बंदे के पास मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है देख के, और अच्छी तरह से वह चल भी रहा है। तो इसके चक्कर में आप मत रहिएगा कि जो इन्होंने देने की घोषणा किया है कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से कुछ विश्वविद्यालय के बारे में आपको अवगत करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ स्क्रीनशॉट लगा भी होगा, देखिए बहुत मैं शॉर्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास करूँगा, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, राज्य विश्वविद्यालय के 4.50 लाख छात्र छात्राओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। अब आपके मन में आ रहा होगा यह जो 4.5 लाख छात्र हैं यह किस जो है विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो मैं बताना चाहूँगा अभी कुछ विश्वविद्यालय, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि हमने यह जो चिट आपके सामने दिख रही है यह प्रोफेसर, देखिए लिखा है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के यह छात्रों की है, तो आपके मन में आ रहा होगा अभी और विश्वविद्यालय की अपडेट नहीं आई है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ जो है विश्वविद्यालय हैं वह अभी डाटा को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, और जिनका डाटा जिन महाविद्यालय जैसे और जो विश्वविद्यालय हैं उससे संबद्ध महाविद्यालयों का डाटा अगर विश्वविद्यालय के पास जा चुका है तो उन्होंने यह घोषणा करने की कोशिश की है। उन्होंने सबका डाटा कलेक्ट करके वो बताने की कोशिश किए हैं कि हमारे पास इतने बच्चों का डाटा है और इतने बच्चों का इस योजना के तहत चयन हुआ है। देखिए लिखा गया है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के तकरीबन 4.5 लाख छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से डाटा तैयार कर प्रशासन को भेज दिया। मैंने यहाँ लिखा भी है, इसका डाटा जो है प्रशासन के पास भेज दिया गया है, और इसमें कहा गया है प्रदेश सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का वितरण योजना लागू की है। इसके तहत प्रोफेसर रज्जू सिंह जो है राज्य विश्वविद्यालय के और प्रयागराज कौशाम्बी फतेहपुर एवं प्रतापगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के तकरीबन 4.5 लाख छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है, और एक चिट आपके सामने दिख रही होगी, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की है। इसमें देखिए लिखा गया है प्रोफेसर रज्जू सिंह इस विश्वविद्यालय के जो हैं 4.5 लाख छात्र हैं, और अगर देखा जाए अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध जो है 700 महाविद्यालयों में अध्ययनरत जो छात्र हैं उनका जो सूची तैयार हुआ है वह 6 लाख छात्र हैं, ठीक है। तो 6 लाख छात्रों का जो अवध विश्वविद्यालय से और 4.5 लाख छात्रों का जो है वह प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय से, इतने लोगों का डाटा अभी यह शेयर किया जा चुका है। और भी जैसे अगर देखा जाए पूर्वांचल विश्वविद्यालय हुआ जौनपुर में, और अगर इधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, और भी इससे संबद्ध तमाम विश्वविद्यालय हैं जो है, तो सबका डाटा जैसे जैसे आएगा मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस योजना के लिए कटाक्ष मत किया करें, क्योंकि अगर इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो भी मिलेगा, अरे अगर फ्री का आइटम जो भी मिल रहा है हमारा आपका फ़र्ज है ले लेना, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए, जैसे भी कोई अपडेट आती है और भी विश्वविद्यालयों की तो मैं सबसे पहले आपके पास देने का काम करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, धन्यवाद।